तो दोस्तों YouTube एक अपडेट को लेकर काफी टाइम से एक्सपेरिमेंट कर रहा था और आखिरकार YouTube ने वो अपडेट कल ही रोल आउट कर दिया था, लेकिन पता सबको आज जाके चला है। और वो अपडेट जो कि बतौर क्रिएटर तो काफी पसंद आने वाला है सबको, लेकिन बात करते हैं व्यूअर्स की तो वो इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूं। तो फ्रेंड वीडियो काफी अमेजिंग होने वाला है, अपडेट भी काफी अमेजिंग होने वाले हैं, वीडियो को अभी से लाइक कर लेना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो सबसे पहले यहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर देता हूं। फ्रेंड्स यहां पर जब भी कोई यूट्यूब अपडेट करता है बड़ा वाला, तो उसके ऊपर क्या थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता है, थोड़ा टाइम लेता है, उसके बाद में यहां पर यूट्यूब उस अपडेट को रोल आउट करता है। तो यूट्यूब ने इस अपडेट के बारे में हिंट दी थी, तभी मैं इसके ऊपर वीडियो लेके आया था, मैंने बताया था। और यहां पर YouTube ने जो पहले बताया था उसके ऊपर थोड़ा चेंज कर दिया। तो क्या यहां पर मैं आपको आप लोगों को बता देता हूं। तो यहां पर जो अपडेट का नाम है वो पहले सबसे पहले क्लियर कर देता हूं। उस जो अपडेट निकाला है उसका नाम है डिसलाइक काउंट प्राइवेट को लेकर, यानी कि अब आपको वीडियोस के नीचे डिसलाइक की काउंटिंग है वो नहीं दिखाई जाएगी। लेकिन पहले जो YouTube ने बताया था वो ये बताया था कि आप लोगों को डिसलाइक की जो बटन है ना वही नहीं दिखाई जाएगा, उसी को YouTube हाइड कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, अब बात किया तो फ्रेंड्स यहां पर जो अपडेट है वो पहले से YouTube पर था कहां पर, तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूं। यहां पर जो वीडियोस आप लोगों ने देखी होगी YouTube शॉर्ट्स की, तो आप लोग वहां पर भी देखते होंगे, वहां पर आप लोगों को बस लाइक की काउंटिंग दिखाई जाती है लेकिन डिसलाइक की काउंटिंग नहीं दिखाई जाती है। उसी चीज को YouTube ने क्या है अप्लाई कर दिया नॉर्मल हर वीडियोस के ऊपर भी, यानी कि YouTube ने उस फीचर को अब नॉर्मल वीडियोस के भी ऊपर अप्लाई कर दिया है। तो अब आपको जो नॉर्मल वीडियोस है उनके ऊपर भी डिसलाइक काउंटिंग नहीं दिखाई जाएगी। बात आती है फ्रेंड्स यहां पर जो अपडेट है ये मतलब कैसे वर्क करता है, यानी कि डिसलाइक होता क्या है। तो डिसलाइक आप लोगों को पता है जब भी कोई वीडियोस नॉर्मली कोई बंदा डालता है तो उसके ऊपर एक तरीके से वैल्यू देने के लिए, यानी कि फीडबैक देने के लिए लोग मतलब क्या करते हैं, वीडियोस पसंद आती है उनको हेल्पफुल लगती है फिर अच्छी लगती है तो लोग लाइक करते हैं, और उनको वो पसंद नहीं आती या फिर उनको कोई मजा नहीं आ रहा है यानी कि उनके लिए हेल्पफुल नहीं है तो वो डिसलाइक करते हैं, इसलिए यहां पर YouTube ने यह फीचर निकाला था। बात आती है और चीजों की, तो यहां पर जो YouTube का डिसलाइक का जो चलन है वो कब से चल रहा है, तो आप लोगों ने देखा हुआ YouTube में एक वीडियो निकाला था YouTube रिवाइंड का 2018 में शायद, उसके ऊपर सबसे ज्यादा डिसलाइक आए थे, यानी कि सबसे ज्यादा डिसलाइक वाली वीडियो वही थी। उसके बाद तो खैर और वीडियोस आई थी जैसे कैरीमिनाती की होगी या फिर टिकटॉकर वगैरह जब YouTube पर आए थे तब भी उनके वीडियोस में डिसलाइक आए थे भर भर के। ठीक है, तो यहां पर YouTube का जो डिसलाइक का चलन है वो तब से ज्यादा चल गया था। और आप लोगों ने देखा होगा कि यहां पर जब भी एक चीज में क्लियर करता हूं, जैसे मान लीजिएगा कोई व्यूअर है सॉरी जो क्रिएटर है वो वीडियोस डालता है, कोई बड़ा क्रिएटर वीडियोस डालता है, तो उस लोग उस वीडियोस के ऊपर व्यूज भी इतने जल्दी काउंट नहीं होते जितनी जल्दी लाइक और डिसलाइक की काउंटिंग होती है। ठीक है, तो क्या होता है जैसी कोई वीडियोज आती है तो उसके हेटर होते हैं या फिर स्पैमर होते हैं तो वो क्या करते हैं एक्टिव हो जाते हैं, वो क्या करते हैं वीडियोस के ऊपर आते हैं ग्रुप में और आके डिसलाइक करते हैं, वोट के थ्रू डिसलाइक करते हैं या फिर स्पैमिंग करते हैं, जिसकी वजह से वो वीडियो जो है डिसलाइक भर भर के उसमें हो जाती है। तो उसकी वजह से जो क्रिएटर है वो काफी डिमोटिवेट होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, उसकी वजह से यहां पर YouTube ने सोचकर ये जो अपडेट है वो क्रिएटर के लिए ही निकाला था, क्रिएटर की सोच को देखकर कि क्रिएटर को बुरा ना लगे, उसका जो फीडबैक है वो अच्छा रहे एक तरीके से, तो उसको देखकर यहां पर YouTube ने अपडेट किया कि आप लोगों को अब जो डिसलाइक की काउंटिंग है वो दिखाई नहीं जाएगी। बात करते हैं और चीजों की, तो फ्रेंड्स यहां पर जो डिसलाइक का जो बटन है वो एक तरीके से YouTube ने इसको ये चीजों में हटाकर अच्छा किया कि नहीं, तो आप लोगों को एक चीज में कर देता हूं जो कि बतौर क्रिएटर सॉरी व्यूअर्स, तो व्यूअर्स ऐसा सोचते हैं कि यहां पर जो डिसलाइक का बटन वो हटा के गलत किया है, कहीं ना कहीं मतलब एक तरीके से अच्छा था कि मतलब मान लीजिएगा कि भाई वीडियो अच्छी है तो लोग अपने आप से लाइक करेंगे, अच्छी नहीं है तो डिसलाइक कर देंगे, बस यही तो होगा। लेकिन एक बात की जाए तो मिथ और होती है इन चीजों की, जैसे मान लीजिएगा कोई वीडियो है ठीक है उसके ऊपर भर भर के डिसलाइक है, तो बंदा जो जेन्युइनली पहली बार उस वीडियो को देखने आया वो देखेगा यार इस वीडियो के ऊपर डिसलाइक तो भर भर के है, तो वो क्या करेगा वो बंदा भी डिसलाइक करके जाएगा, यानी कि साइकोलॉजिकल होता ही है। अगर मान लीजिएगा डिसलाइक की काउंटिंग ही नहीं रहेगी तो वो बंदा डिसलाइक करेगा ही नहीं, वो अपने आप से वैल्यू देगा, यानी कि उसको वीडियो अच्छी लगेगी तो वो लाइक करेगा, अगर उसको नहीं लगी अच्छी तो वो डिसलाइक करेगा। अब बात की जाए और चीजों की, तो यहां पर जो आपका डिसलाइक का जो आपको जानना है तो आप क्या करोगे, जो क्रिएटर है वो कैसे देख पाएंगे अपने डिसलाइक वगैरह वीडियोस के, वो जाएंगे अपने जो कि YT स्टूडियो में और वहां पर एंगेजमेंट में एक ऑप्शन आता है एनालिटिक्स में, वहां पर जाके वो अपनी वीडियोस के डिसलाइक वगैरह भी देख पाएंगे, नहीं काउंटिंग उनको पता चलेगी भाई इस वीडियो पे इतने सारे डिसलाइक आए थे। तो यहां पर जो अपडेट है YouTube ने यहां पर जो अपडेट किया है वही डिसलाइक वाला वो किया इसलिए क्रिएटर्स को देखकर कि मतलब क्रिएटर्स है वो मतलब एक तरीके से उनके लिए जान होते हैं या फिर YouTube की, यानी कि क्रिएटर को बुरा लगेगा क्रिएटर छोड़ के चले जाएंगे YouTube को या फिर क्रिएटर को अच्छा नहीं लग रहा है, तो वो मतलब इन चीजों को सोचकर यहां पर YouTube ने अपडेट किया, लेकिन व्यूअर्स को सोचकर YouTube ने अपडेट नहीं किया है। व्यूअर्स को मतलब ये अपडेट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है, आप लोगों को ये अपडेट कैसा लगा वो आपको कमेंट करके जरूर बताना है। अपडेट यहां पर बात की जाए तो मुझे तो ठीक ठाक लगा, लेकिन बात करते ज्यादा अच्छा तो मैं नहीं बोल सकता इसको क्योंकि यहां पर हमारे लिए तो फायदा ही है, लेकिन बात किया तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा कमेंट करके आपको बताया, वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड लोगों को शेयर जरूर कर देना फेसबुक व्हाट्सएप पे, और अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, और अभी तक आपने मुझे इंस्टा फॉलो नहीं किया डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आप मुझे इंस्टा पर फॉलो कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड मिलते हैं इसी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड लक।